Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. दीपक मीणा ने आज शनिवार को मेरठ जिलाधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद मेरठ के नवनियुक्त जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व शासन की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अमली जमा पहनाया जाएगा। 2011 आईएएस बैच के अधिकारी दीपक मीणा का पश्चिमी यूपी से गहरा नाता रहा है। वह मेरठ के 60वें डीएम हैं। दीपक मीणा से पहले के बालाजी मेरठ के डीएम थे। इस मौके पर मीडिया से वार्ता करते हुए नवनियुक्त जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यह कहा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को लेकर, तो वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, उसी पे सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी राज्य सरकार और भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको धरातल पे लाना और जो एक्चुअल उनके लाभार्थी हैं जिस तक वो पहुँचनी चाहिए उन तक पहुँचाना, वो भी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ पे हमेशा फोकस रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उस पर भी फोकस अप्रोच करके कार्य किया जाएगा। बाकी फिर जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हो गए, यहाँ की पब्लिक हो गई, मीडिया के लोग हो गए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेक्शन के साथ जो भी समस्याएँ मेरठ की, शहर की या पूरे ज़िले की निकल के आएंगी और जो वो लोग चाहते हैं कि इनको प्राथमिकता पे एड्रेस किया जाए, उनसे डिस्कशन के बाद तय किया जाएगा और उनको भी प्राथमिकता पे टेकअप किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।